आपको क्विक में बता दिया है कि आप अपना आई ट्वेंटी जल्दी से कैसे अपने कॉलेज से मंगवा सकते वेलकम टू मैंने वीडियो मैंने दो दिन पहले वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि ये जो टाइम पीरियड है जो कि फेब मार्च और अप्रैल इसमें यूएस वीजा स्लॉट्स के लिए डिमांड जो होती है वो काफी कम होती है इस टाइम पीरियड में स्लॉट्स की जो ओपनिंग होती है माइनर ओपनिंग होती है पर चांसेस होते हैं ज्यादा कि स्टूडेंट्स को स्लॉट्स मिल जाए माइनर ओपनिंग में भी तो वो कैसे क्योंकि इस टाइम पे बहुत लोगों के पास आई नहीं आए होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना कॉलेज भी डिसाइड नहीं किया होता है तो यही आपके पास टाइम पीरियड होता है जिसमें आप आसानी से स्लॉट्स बुक कर सकते हो या फिर अगर आप एजेंट की हेल्प भी लेना चाहते हो तो कम पैसों में आपको स्लॉट्स मिल जाएंगे क्योंकि इस टाइम पीरियड में कंपटीशन लो होता है तो फिर एजेंट के पास भी स्लॉट्स बुक करने के लिए डिमांड कम होती है पर अगर आपको भी यूएस वीज़ा स्लॉट जल्दी चाहिए तो इसके लिए सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है आपके पास आपका आई ट्वेंटी होना चाहिए जब आपका अगर आई ट्वेंटी आया तो ही आप यूएस वीज़ा स्लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो अभी हम देखते हैं कि आप आई ट्वेंटी कैसे जल्दी मंगवा सकते हो आई ट्वेंटी जल्दी मंगवाने के लिए आपको कॉलेज के साथ कुछ प्रोसीजर होती है आपने जितनी जल्दी वो प्रोसेस कंप्लीट कर दी चांसेस है कि आपको जल्दी से एडमेंटी मिल जाए सबसे पहले तो आपको कॉलेज को दो मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं उसके लिए सबसे पहला होता है कि आपका पासपोर्ट और दूसरा और सबसे मेन होता है वो है फिनेंशियल डॉक्यूमेंट्स कॉलेज चाहते हैं कि आपके पास प्रॉपर मनी हो बराबर पैसे हो तो वो आपको जल्दी से एडमेंटी इशू करवा देंगे फिनेंशियल में ज्यादातर लोग क्या करते हैं अपनी सेविंग दिखाते हैं या फिर एजुकेशन लोन दिखाते हैं पर एजुकेशन लोन को अप्रूव होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है आप सोचोगे कि जब मेरा एजुकेशन लोन अप्रूव होगा तो उसकी उसके कॉपी जो है आप कॉलेज को सबमिट करोगे तो आपको अपना एजुकेशन लोन अप्रूव होने का इंतजार नहीं करना आपका एजुकेशन लोन अप्रूव होने से पहले भी आपको एक लेटर मिलता है प्रिंसिपल एजुकेशन लोन लेटर या फिर लोन लेटर ऐसा कुछ बोलते हैं तो वो भी आप अपने बैंक से मंगवा सकते हो और वो कॉलेज को सबमिट कर सकते हो अगर आपके पास सेविंग है तो उसके भी प्रूफ्स आपको कॉलेज को दिखाने होंगे या फिर अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो वो भी आपके पास प्रूफ होना चाहिए इतना जल्दी आपने अपना पासपोर्ट और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सबमिट किए कॉलेज को तो उतने ही ज्यादा चांसेस है कि आपको जल्दी से आई ट्वेंटी मिल जाए अभी तो मैंने आपको क्विक में बता दिया है कि आप अपना आई ट्वेंटी जल्दी से कैसे अपने कॉलेज से मंगवा सकते हो पर इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी जिसमें भी कुछ केसेस होते हैं तो उसके ऊपर हम डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे तो आज का ये क्विक अपडेट आपको कैसा लगा इसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए मिलते जल्दी नए वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय